खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कहीं के एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा खबर सबकी रखती हूँ। हमको तुमसे बात ही नहीं करनी। हम अपना फोन देख रहे हैं, वो खबरी को हम मैसेज कर रहे हैं, कब से देख नहीं रहा है। तो कब से बोल रहे हैं, हमारा सुन नहीं रहा है। वीडियो कॉल लगा रहे हैं फिर। अरे अरे दर्शकों कैसन हो आप? नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसन हो? आ गए का बढ़िया हो ना? हम तो देखिए बढ़िया ही हैं। कब से खबरी को फोन लगा है, सुनता ही नहीं है। हमारी काम परेशान हो गए हैं। ऊपर से शिल्पा शेट्टी की माँ है ना, हमको निकम्मी कह दी है। तो हमको ये खबर, अब माँ तो बच्चे को कह देती है, अब क्या हुआ था ना वो हमको खबर में दिखाते हैं आपको। हम आपको चलिए शिल्पा शेट्टी ने याद किया उस पल को जब उनकी माँ ने उनका एग्जाम रिजल्ट देखकर उन्हें निकम्मी और बिल्कुल बेकार कहा था। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी की अगली फिल्म निकम्मा है। हाल ही में उन्होंने एक नए साक्षात्कार में उस समय के बारे में बताया जब उन्हें निकम्मी कहा जाता था। अभिनेता ने एक्शन कॉमेडी में एक सुपर हीरो अग्नि की भूमिका निभाई है, जिसमें अभिमन्यु दासानी और शर्ली सेतिया भी है। फिल्म अग्नि का अनुसरण करती है क्योंकि वह अभिमन्यु के यानी निकम्मा चरित्र सिद्धार्थ को एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में बदल देती है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें कभी उनके पिता सुरेंद्र शेट्टी या माँ सुनंदा शेट्टी ने निकम्मी कहा है, तो शिल्पा ने कहा कि यह उनकी माँ थी जिन्होंने उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। शिल्पा ने याद किया कि सुनंदा ने प्रीलिम्स की रिपोर्ट देख कर अपना आपा खो दिया और उन्हें बिल्कुल बेकार और निकम्मी कहा। उन्होंने कहा, यह मेरे साथ तब हुआ जब मेरी माँ ने मेरी SSC परीक्षा से ठीक पहले मेरी प्रारंभिक रिपोर्ट देखी। मैंने कुछ 48% स्कोर किया था जो शर्मनाक था। मैं वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा थी और मुझे एक वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में बॉम्बे जोन के लिए चुना गया था। लेकिन जब मेरी माँ ने मेरा रिजल्ट देखा तो वह पहली बार चिल्लाई। उसने कहा कि तुम बिल्कुल बेकार निकम्मी होने जा रही हो। उस समय मेरे जीवन का लक्ष्य वॉलीबॉल कोच बनना था, इसलिए मुझे लगा कि मेरा जीवन सेट हो गया है। लेकिन बाद में जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ मेरे नंबर से परेशान है और मैं निकम्मी हूँ, तो मैंने 10 दिनों तक अच्छी पढ़ाई की और अच्छा प्रतिशत हासिल किया। शिल्पा के लिए तब सब ठीक था क्योंकि उनकी माँ को राहत मिली थी। सबीर खान द्वारा निर्देशित निकम्मा 17 जून को एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित है। उन्हें आखिरी बार साल 2021 की रोमांटिक कॉमेडी हंगामा 2 में पर्दे पर देखा गया था, जिसने 14 साल बाद उनके करियर में उनकी वापसी करी थी। खैर इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चिंटू को भी बोलते हमारा सासू जीती है ना, हमारे सासू जी भी बोलते हैं हमारा ससुर जीता। हमारे ससुर जी चिंटू के पापा को ना खड़ूस, हम बोलते हैं ना खड़ूस है। तो फिर सही बोल रही हो बहुरानी, एकदम खड़ूस है। फिर जब हम सासू जी को बोलते हैं कि ना खड़ूस है ना आपका बेटा, तो बोलती है कि कोई खड़ूस नहीं ना है हमारा बेटा। हम बोले कि है खड़ूस, हम तो बोले थे कहाँ खाए थे, तो बोले हमको याद नहीं ना हम कहाँ खाए थे। फिलहाल हम जाते हैं, नई खबर लेकर आते हैं। आप कहीं नहीं ना जाइएगा, आप जरूर से बने रहिएगा आंटी के साथ। जय राम जी की दर्शकों।